Okay, let's start learning oxidation state method. हम इनफैक्ट यही दो मेथड बड़े डिटेल में सीखेंगे क्योंकि इन दोनों मेथड से हर तरह की रिएक्शन बैलेंस हो जाती है. हाफ रिएक्शन मेथड से कुछ लिमिटेशन होती है. हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सीखते हैं और इससे हम जो करेंगे वह प्रॉब्लम नंबर 4 और उसका ए पार्ट सबसे पहले करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4 में कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन. अब इधर हमें सिर्फ बैलेंस करने के लिए ही नहीं बल्कि कंप्लीट करने के लिए भी कहा गया. देखिए कॉपर प्लस नाइट्रेट प्लस अ ब्लैंक गिविंग यू कॉपर आयन NO2 एंड समथिंग. हमें रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है. देखिए सबसे पहले हम इस रिएक्शन में रिडॉक्स चेंज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. क्या हमें रिडॉक्स चेंज कंप्लीट दिख रहा है? कॉपर इज गिविंग यू कॉपर आयन. कॉपर इधर कॉपर आयन दे रहा है. कॉपर जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है यह ऑक्सीडाइज होके प्लस 2 पर जा रहा है. ऑक्सीडेशन होता हुआ तो मुझे दिख रहा है. अब मैं देखता हूं क्या मुझे रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है. नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन प्लस 5 और NO2 में नाइट्रोजन प्लस 4 मुझे एक स्पेशस रिड्यूस होता. नाइट्रोजन जो कि प्लस 5 पर है इट्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रोजन एट प्लस 4. मैं गलती कर रहा हूं. गलती यह कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बना हुआ है और मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना चालू कर दिया जबकि मुझको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड डिस्कस करना है. मैं इसे साफ करूंगा. एनीवे व्हाट आई मीन टू से इज एक तो ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट दिख रहा है और रिडक्शन भी दिख रहा है मुझे. यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये मुझे पूरी तरह से कंप्लीट दिख रहा है तो एट इनिशियल स्टेज एट फर्स्ट स्टेज देयर इज नो नीड ऑफ बॉदरिंग फॉर कंप्लीटिंग द रिएक्शन. अभी इस स्टेज पर आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की परवाह मत कीजिए. अपने आप जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यह रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी. आपको रिडॉक्स चेंज पूरा दिख रहा है ना. एक स्पेशस ऑक्सीडाइज होता हुआ भी दिख रहा है और एक स्पेशस रिड्यूस होता हुआ भी दिख रहा है. जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिख रहा है मतलब रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है. तो रिडॉक्स रिएक्शन यदि दिख रहा है तो आप उसको कंप्लीट करने की कोई परवाह मत कीजिए. आपको सिर्फ बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए. जब आप बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप वो कंप्लीट हो जाएगी. देखिए कैसे. अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप सिर्फ एलिमेंट को उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिखते थे मगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में आप पूरे के पूरे इस स्पेशस को ही इस पूरे कॉपर को और इधर कॉपर आयन इधर पूरा नाइट्रेट आयन और इधर NO2 इसके पहले हम सिर्फ नाइट्रोजन एट प्लस 5 लिखते थे और इधर नाइट्रोजन एट प्लस 4 लिखते थे मगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में हमने पूरा नाइट्रेट आयन लिखा और इधर पूरा NO2 लिखा. कॉपर को लिखने में तो खैर कोई फर्क नहीं दिख रहा है हमको क्योंकि वो एनीवे इधर भी CU है इधर भी CO2 प्लस.
ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में हम पूरे पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे आयन को लिखते हैं। अब इस रिएक्शन को, इस हाफ रिएक्शन को हम यहीं पर बैलेंस करते हैं। कॉपर CO2 प्लस कैसे देगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। ये रिएक्शन तो बिल्कुल आसानी से लिख दी गई। अब नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन गिविंग यू NO2। अब इधर हम अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन यहीं पर देखेंगे और उसे बैलेंस करने के लिए नेसेसरी H पॉजिटिव और H2O लगाएंगे। जब मीडियम मेंशन्ड नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम लिया जाता है। यदि मीडियम मेंशन्ड नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा एसिडिक मीडियम लिया जाता है। एसिडिक मीडियम में पहले हम देख लें, नाइट्रोजन बैलेंस है, तीन ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ज्यादा है, एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ज्यादा है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, एन ऑक्सीजन यदि कहीं पर ज्यादा हो तो जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उसके डबल एच पॉजिटिव हम इधर डालते हैं, डबल एच पॉजिटिव डाल के इधर NH2। एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा दे, मैं इधर दो एच पॉजिटिव डालूंगा, दो एच पॉजिटिव एक ऑक्सीजन साथ कंबाइन करके इधर एक वाटर मॉलिक्यूल देगी। इस तरह से अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन को मैंने यहीं पर बैलेंस कर लिया। अब मैं चार्ज बैलेंस करूंगा इस हाफ रिएक्शन। प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज जीरो है, रिएक्टेंट साइड इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज, इस पर टू पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव प्लस टू पॉजिटिव, ओवरऑल वन पॉजिटिव चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड, एक पॉजिटिव चार्ज रिएक्टेंट साइड देखकर मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसे टू से मल्टीप्लाई करता हूं और दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देता हूं। खास बात आप देखेंगे कि रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस भी हो चुकी है और कंप्लीट भी हो चुकी है। आप जब ऐड करेंगे तो CO प्लस नाइट्रेट प्लस 2H पॉजिटिव गिविंग यू CO2 प्लस प्लस 2NO2 प्लस H+ प्लस 2H2। यह रिएक्शन कंप्लीट भी हो चुकी है और बैलेंस भी हो चुकी है। इस जगह पर जो ब्लैंक था वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया, रिएक्टेंट साइड 4H+ प्लस, प्रोडक्ट साइड H2O 2H2। दिस इज द रिएक्शन बैलेंस्ड इन बैलेंस्ड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से इस रिएक्शन को कंप्लीट भी कर दिया है और बैलेंस भी कर दिया। अब मैं इसी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से सात आठ रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। इसी फोर्थ प्रॉब्लम को, इसी के सभी पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। ए पार्ट मैंने भी करा है, चलिए बी पार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। यह कंसेप्ट मैं थ्रूआउट लिखकर ही रखूंगा क्योंकि जनरलाइज्ड कंसेप्ट हर जगह पर अप्लाई होगा। बी रिएक्शन को ध्यान से देखें और उसको बैलेंस करना चालू कर दे, इनफैक्ट उसे कंप्लीट भी करना है। बी पार्ट Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोक्सिल आयन गिविंग यू IO4 नेगेटिव प्लस, इधर एक ब्लैंक दिया हुआ है, प्लस H2। नाउ वी विश टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, वी आस्क्ड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन एंड देन बैलेंस द रिएक्शन। अब सबसे
सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि क्या इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना स्टार्ट कर दें या पहले कंप्लीट कर दें. Cl2 plus IO3 negative plus OH negative. This OH negative implies that the reaction is done in basic medium. इस जगह पर उन्होंने पहले से बेसिक मीडियम नहीं लिखा, ब्रैकेट में ही बेसिक मीडियम नहीं लिखा, उन्हें रिएक्शन में ही हाइड्रोक्सिल आयन को लिखकर यह बात हमें कम्युनिकेट कर दी है कि यह एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होना है. वाटर मॉलिक्यूल भी दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन भी दिख रहा है. अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्या रेडॉक्स चेंज कंप्लीट दिख रहा है. रेडॉक्स चेंज का कंप्लीट दिखना मतलब रिडक्शन भी दिखना और ऑक्सीडेशन भी दिखना. आयोडीन को मैं देखता हूं, आयोडीन इधर प्लस फाइव पर है, IO3 नेगेटिव में आयोडीन प्लस 5 पर है, IO4 नेगेटिव में आयोडीन प्लस 7 पर है. ऑक्सीडेशन तो मुझे दिख रहा है, ऑक्सीडेशन तो मुझे दिख रहा है. अब रिडक्शन, रिडक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिखा, रिड्यूस होता हुआ इस समय भी कोई नहीं दिखा, हाइड्रोक्सिल आयन कभी रिड्यूस होता नहीं. इस जगह पर जब हमें ऑक्सीडेशन दिख रहा है, रिडक्शन नहीं दिख रहा है, तो यहां पर रिडॉक्स चेंज कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट रिडॉक्स चेंज है, अधूरी रिडॉक्स रिएक्शन. जब रिडॉक्स चेंज इनकंप्लीट हो तो आप बैलेंस करना स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पहले रिडॉक्स चेंज को कंप्लीट करना ही होगा, तभी आप इसे फर्दर बैलेंस कर पाएंगे. रिडॉक्स चेंज को कंप्लीट करने के लिए जब ऑक्सीडेशन दिख रहा है, मुझे यह देखना है कि कौन रिड्यूस होएगा. रिड्यूस होने के लिए तैयार निश्चित यह क्लोरीन होएगा. क्लोरीन इस समय जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, क्लोरीन इस समय जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और डेफिनेटली इस क्लोरीन को रिड्यूस होना है क्योंकि एक ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, इसको रिड्यूस होना है. रिड्यूस यदि यह होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड में जीरो से कम हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव जाएगा, जीरो से कम मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम यह बात सोचे क्लोरीन का जीरो से कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है. क्लोरीन जो सेवेंथ ए ग्रुप में है, जो हेलोजन है, हम अच्छी तरह से जानते हैं क्लोरीन का जीरो से कम यदि कोई पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वह होता है सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड Cl एट माइनस वन. इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से कम है ही नहीं. क्लोरीन इस जगह पर रिड्यूस होएगा और वह जीरो से माइनस वन पर जाएगा, वहां पर क्लोराइड आयन बनेगा, पक्का है. इस तरह से यह बात सोचकर, यह लॉजिक लगाकर हमने पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया. इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट से मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस करने के लिए हम पूरे के पूरे Cl2 को और इधर पूरे के पूरे Cl नेगेटिव, इधर पूरा IO3 नेगेटिव और इधर IO4 नेगेटिव, हम पूरे मॉलिक्यूल से पूरे आयंस को लिखते हैं. अब Cl2 गिविंग यू Cl नेगेटिव, तो सबसे पहले इधर 2Cl नेगेटिव डाला जाए क्योंकि दो क्लोरीन का होना जरूरी. अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर क्लोरीन जीरो पर है, इधर दो नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऐड कर देने चाहिए. इस तरह से हमने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, पहली रिएक्शन को बैलेंस कर दिया. अब हम दूसरी रिएक्शन को, इधर भी आयोडीन, इधर भी आयोडीन, इधर तीन ऑक्सीजन, इधर चार ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट साइड ज्यादा दिखा, एक ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट साइड ज्यादा दिखा है और हमें बेसिक मीडियम में उसको बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका, एक ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ आप एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्रोडक्ट साइड एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे और रिएक्टेंट साइड उसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दें। इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। प्रोडक्ट साइड सिंगल नेगेटिव चार्ज है और रिएक्टेंट साइड थ्री नेगेटिव चार्ज है, टू OH नेगेटिव, एक एक OH पर सिंगल नेगेटिव और दो OH नेगेटिव, दो नेगेटिव इधर हुए, एक नेगेटिव इधर, तीन नेगेटिव इस तरफ एक नेगेटिव, मतलब दो और इधर बाहर आने चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसे सिंपली ऐड कर देते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे और यह रिएक्शन बैलेंस होकर इस तरह से दिखने लगेगी, Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव गिविंग यू IO4 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव प्लस H2O। दिस इज अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड रिएक्शन and this reaction would be also termed as intermolecular redox reaction, क्योंकि दो अलग अलग molecules का oxidation reaction हो रहा है। इधर chlorine का reduction हो रहा है, IO3 negative का oxidation हो रहा है, इसलिए इस reaction को हम intermolecular redox reaction कहेंगे। और इस intermolecular redox reaction में क्लोरीन जो स्वयं रिड्यूस हो रहा है यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और IO3 जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है यह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। हमने इस रिएक्शन को जो इनकंप्लीट थी इसको पहले कंप्लीट इसलिए करा क्योंकि यहां पर जो रिडॉक्स चेंज था वह अधूरा था, वह इनकंप्लीट। रिडॉक्स चेंज यदि इनकंप्लीट हो अधूरा हो तो पहले उस रिडॉक्स चेंज को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसी के बाद हम बैलेंस कर पाएंगे। इस तरह से हमने इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस कराया। चलिए अब हम बैलेंस करते हैं तीसरी रिएक्शन जो कि थोड़ी और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। दिस थर्ड रिएक्शन KMnO4 plus H2SO4 plus H2O2 gives you K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus dash. अब देखिए, this is the reaction once again. The reaction is incomplete. हमें इसे complete भी करना है और balance भी करना है। सबसे पहले हम यह सोचें कि इसे बिना complete करे क्या हम balancing start कर दें? बिना complete करे balancing start करने के लिए redox change complete होना चाहिए। क्या redox change complete है इधर जरा देखते हैं। पोटेशियम इधर भी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर और इधर भी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पोटेशियम किसी भी रॉक्स रिएक्शन में
कभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। पोटेशियम जब भी कंपाउंड में होगा तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही होगा, इट नेवर पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैंगनीज, इधर मैंगनीज प्लस सेवन पर है और प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज MnSO4 सल्फेट टू नेगेटिव पर, तो Mn प्लस टू पर। हमें एक एलिमेंट ऐसा दिखने लगा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। मैंगनीज जो इधर प्लस सेवन पर है, वहां मैंगनीज प्रोडक्ट में प्लस टू पर जा रहा है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई सा ऐसा स्पेशियस होना चाहिए जो ऑक्सीडाइज होएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। KMnO4 का इस तरह का ऑक्सीजन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। H2SO4 का हाइड्रोजन ये ऑलरेडी प्लस वन पर है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सल्फेट का सल्फर ये ऑलरेडी प्लस सिक्स पर है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सल्फेट का ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन माइनस टू पर है, जो ऑक्साइड होता है, ये एक स्टेबल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है, ये कभी भी कोई इस तरह से रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। H2O2 इधर मुझे दिख रहा है, H2 में हाइड्रोजन तो प्लस वन पर है, O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन माइनस वन पर। यह ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। नाउ दिस इज अ अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन की एक अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनरली यह ऑक्सीजन अपने इसी स्टेट में कभी एग्जिस्ट बहुत लंबे समय तक नहीं करता है, इसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा होता है। मुझे यह H2O2 का यह ऑक्सीजन समझ में आ रहा है जिसके साथ में कुछ फिनोमेना होएगा। इधर सारे ऑक्सीजन तो माइनस टू पर दिख रहे हैं। अब KMnO4 का Mn रिड्यूस हो रहा, तो H2O2 के इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। H2O2 में ऑक्सीजन माइनस वन पर है, यदि यह ऑक्सीडाइज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। माइनस वन से बढ़कर यह ऑक्सीजन कहां जाएगा? हम कहते हैं माइनस वन से इसका ऑक्सीडेशन होकर जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो यह जा सकता है जीरो पर। और यदि यह जीरो पर गया तो वहां पर ऑक्सीजन गैस मिलने लगेगी। हम कहते हैं KMnO4 H2O2 के ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, पेरोक्साइड को वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, वहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने लगेगी। हम कहेंगे KMnO4 जो स्वयं रिड्यूस हो रहा है यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि यह स्वयं रिड्यूस हो रहा है इसलिए यह सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा। और H2O2 जिसका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है यह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यह सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इस जगह पर रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले कंप्लीट करना अनिवार्य था, बिना इसे कंप्लीट करे इसे बैलेंस करा ही नहीं जा सकता। हमने इसे कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के लिए आप एक बात समझिए
It's not the knowledge of inorganic. इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इनऑर्गेनिक का नॉलेज, इनऑर्गेनिक पढ़ना जरूरी नहीं है. इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू डेवलप द कंसेप्ट एंड लॉजिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट और लॉजिक्स प्रॉपरली बने हुए हैं तो इस तरह के रिएक्शन को बड़ी आसानी से कंप्लीट करा जा सकता है. बड़ी आसानी से यह बात सोची जा सकती है कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए. एक अधूरे रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया. अब हम इसको बैलेंस करते हैं. बैलेंस करने के लिए जैसा हमसे कहा गया है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड लगाना है. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में हम पूरे के एमिनोफोर को लिखेंगे और इधर हम पूरे MnSO4 को लिखेंगे. दूसरी आप रिएक्शन में इधर H2O2 को लिखेंगे और इधर हम O2 को लिखेंगे. हम सिर्फ उन्हें लिख रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को लिख रहे हैं जो रॉक्स चेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इधर KMnO4 से जो Mn आ रहा है तो Mn चूंकि KMnO4 से आ रहा है तो पूरे KMnO4 को लिखेंगे. इधर Mn2+ जो है वो MnSO4 से आ रहा है तो हमने पूरे MnSO4 को लिखा. यह रिडॉक्सिन में पार्टिसिपेट कर रहा है. इधर H2O2 का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पूरे H2O2 को लिखा और इधर O2 है तो इधर O2. बाकी H2SO4 को हम माइंड नहीं करते हैं. K2SO4 को भी हम इस स्टेज पर नहीं लिखेंगे. H2O को भी हम इस स्टेज पर नहीं लिखेंगे. हम सिर्फ इन रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे. ऑटोमेटिकली हमें बाकी सारे स्पेशल के कोएफिशिएंट भी दिखने लगेंगे, बैलेंस हो जाएगी. देखिए कैसे. Mn Mn दोनों बराबर है. एक Mn रिएक्टेंट साइड, एक Mn प्रोडक्ट साइड. हम सबसे पहले इसके को बैलेंस करते हैं, पोटेशियम को बैलेंस करते हैं. पोटेशियम को हम कैसे बैलेंस करेंगे? हम कहेंगे कि यह पोटेशियम प्रोडक्ट साइड एक पोटेशियम के पॉजिटिव के रूप में जाना चाहिए. के पॉजिटिव, के प्लस वन. इस K2SO4 में के प्लस वन और एक के पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में बनना चाहिए. पोटेशियम एट प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम इस सल्फेट, हम सल्फर को अलग और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे सल्फेट आयन को. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सल्फेट आयन पूरा ऐसा कैसे H2SO4 से आ रहा होगा. तो हम पूरे के पूरे सल्फेट आयन को कहते हैं कि रिएक्टेंट साइड हमें कहीं ना कहीं से एक सल्फेट आयन की आवश्यकता लगेगी ही. इस तरह से हमने पोटेशियम को बैलेंस कर दिया और इस तरह से हमने सल्फेट को भी बैलेंस कर दिया. अब हम वहां पर अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन देखते हैं. पोटेशियम बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस, मैंगनीज सल्फेट बैलेंस, चार ऑक्सीजन मुझे रिएक्टेंट साइड ज्यादा दिख रहे हैं. चार ऑक्सीजन मुझे रिएक्टेंट साइड ज्यादा दिख रहे हैं इस रिएक्शन में. एसिडिक मीडिया में वो मुझे H2SO4 से समझ में आ रहा है. जहां H2SO4 एसिड है इसका मतलब है एसिडिक मीडियम. चार ऑक्सीजन को मुझे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है. चार ऑक्सीजन को यदि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो उसी तरफ में आठ एच पॉजिटिव डाल दूंगा. इस जगह पर मैंने आठ एच पॉजिटिव डाल दिया. आठ एच पॉजिटिव चार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इधर चार वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे. पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन, सल्फेट सब कुछ बैलेंस हो गया. अब अंतिम में हमें बैलेंस करना होता है इसका चार्ज. हम चार्ज बैलेंस करते हैं. देखिए कैसे. प्रोडक्ट साइड एक पॉजिटिव चार्ज है. प्रोडक्ट साइड वी हैव सिंगल पॉजिटिव चार्ज. अब रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज लिखते हैं. एट पॉजिटिव, टू नेगेटिव. एट एच पॉजिटिव में आठ पॉजिटिव चार्ज है और एक सल्फेट आयन में दो नेगेटिव चार्ज. ओवरऑल इधर सिक्स पॉजिटिव चार्ज है. रिएक्टेंट साइड सिक्स
positive charge, product side single positive charge. 6 positive charge, 5 electrons ko absorb kar rahe honge. 5 electrons idhar absorb ho rahe honge. 5 electrons yadi absorb honge, to 6 positive charge mein 5 kam ho jayenge aur single positive charge bacha rahega. Is tarike se humne pehli half reaction ko oxidation state method ke dwara balance kara. अब दूसरे रिएक्शन की तरफ ध्यान देते हैं. O2 पूरी तरह से बैलेंस. इधर दो हाइड्रोजन है एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में दो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड दो एच पॉजिटिव डाल दें. यह हाइड्रोजन बैलेंस होगा. अब चार्ज को बैलेंस करना है. इधर नेट जीरो चार्ज है, इस जगह पर दो पॉजिटिव चार्ज. दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इधर दो इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं. ये दूसरी हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई. अब हमें फर्दर अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है. इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे. पहली रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम 10 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल करेंगे. और अब हम ऐड करते हैं 2 चेन ऑफ 4 प्लस H2O2 plus 2 sulfate ion. H positive ion dekho jara, 2 into 8 16, aur idhar 10 plus 6 H positive ion. Giving you twice MnSO4 plus twice K positive plus 5O2 or H2O ke liye plus 8H2O. Yeh reaction is tarah se dikhne lagi. Abhi reaction puri nahi likhi hai, puri abhi complete karna mujhe baki hai. 2K पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड से देखना चालू करता हूं मैं. 2MnSO4 तो ठीक है, 2K पॉजिटिव, 5O2 भी ठीक है, 8H2O भी ठीक है. ये 2K पॉजिटिव जो दिख रहा है ना, हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रोडक्ट साइड जो K पॉजिटिव है वो K2SO4 के रूप में. ये 2K पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड पोटेशियम सल्फेट के रूप में दिखना चाहिए. इन्हें पोटेशियम सल्फेट के रूप में दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस तरफ भी एक सल्फेट आयन जोड़ देता हूं और मैं इस तरफ भी एक सल्फेट आयन जोड़ देता हूं. दोनों तरफ जब मैंने सल्फेट आयन जोड़ दिए, अब यह रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस और सही तरीके से दिखने लगती है. 2K पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, इसको मैं लिखूंगा K2SO4. द 6H पॉजिटिव प्लस 3 सल्फेट आयन, इसको मैं लिखूंगा 3H2SO4. और अब यह रिएक्शन इस तरह से मुझे दिखने लगेगी. ट्वाइस KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 5H2SO4 गिव्स यू ट्वाइस MnSO4 प्लस K2SO4 plus 5O2 plus 8H2. इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को हम देखकर बैलेंस नहीं कर सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बैलेंस नहीं कर सकते.
इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को हमें बैलेंस करने के लिए वी नीड टू हैव सम सिस्टमैटिक मेथड, और वही सिस्टमैटिक मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ऑलरेडी हमने 10-1 रिएक्शन बैलेंस कर दिया, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं, 3 रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी, चलिए चौथी रिएक्शन अब आप लोग करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस। चौथी रिएक्शन है This is the fourth reaction. NnO2 plus H2O2 gives you MnO4 negative plus H2O. इसे basic medium में बैलेंस करना है। यू शुड एम्प्लॉय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से इस रिएक्शन को अब आप लोग बैलेंस करके मुझे बताएंगे।